फ्रेंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए सबसे पहले खाना बना लेते हैं। खाना में आज मैं बना रही हूँ मटर पनीर। तो मटर पनीर के लिए क्या क्या हमें लेना है, सबसे पहले पनीर को हमने फ्राई करके पानी में डिप कर दिया है। उसके बाद हमने मटर को बॉईल कर दिया है। यहाँ पे लिया है तड़का और जिस तेल में मैंने फ्राई किया था उसी तेल में बना रही हूँ। तेल को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने हींग लिया, खड़ा जीरा लिया, खड़ा मिर्च लिया, तेज पत्ता, कड़ी पत्ता और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, ये सबको मैंने अच्छे से भून लिया। इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे थोड़े थोड़े गरम मसाले और मसाले को भी हम सिम गैस पे थोड़ा सा भून लेंगे। गले में खराश है, माफ़ कीजिएगा। और घर में काम चालू हो गया है फ्रेंड, तो उसकी भी थोड़ी बहुत वीडियो में आवाज़ आएगी, तो उसको भी इग्नोर कीजिएगा। और किस मतलब क्या काम चालू है वो भी मैं आगे बताती हूँ, वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पे मैंने गरम मसाले जो थे वो मैंने भून लिया है और रेगुलर ही मसाले थे, गरम मसाले, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक वगैरह यही सब था। मैंने उसको भून लिया। भूनने के बाद जो कच्चा मसाला रेडी करके रखी थी, टमाटर, प्याज वगैरह, लहसुन, ये सब मैंने ऐड कर दिया है। इसको भी थोड़ा सा भून लूँगी। इसके बाद यहाँ पर मैं डालूँगी ताज़ा मलाई। ताज़ा मलाई आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं तो घर में सारी है दूध का वो डाल दीजिए, दही डाल दीजिए, आपको जो डालना है वो डाल दीजिए। बहुत अच्छा इससे कलर भी आता है, मसाले का जो ग्रेवी का कलर है वो भी उठ के आता है। और भाजी मतलब जो सब्जी है मटर पनीर वो तो इतना लाजवाब लगेगा कि पूछो मत। तो इस तरह से मैंने मसाले को अच्छे से 2 चम्मच मलाई डाल के और मैंने इसको अच्छे से सिम गैस पे ही भूनना है, जलने नहीं देना है। कंटिन्यू इसको चलाते रहिएगा ताकि वो मसाले हमारे फटे ना और अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए हमारे मसाले लगभग धीरे धीरे भून चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने फ्राई करके या बॉईल करके रखा था। तो यहाँ पे देखिए मैंने बॉईल किया हुआ हरा मटर डाल दिया है और उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 से 3 शिमला मिर्च था मेरे फ्रिज में, ख़राब हो रहे थे, तो मैंने सोचा इसको भी ऐड कर देती हूँ। तो मैं बहुत बारीक बारीक चॉप करके इसको भी फ्राई कर लिया था और इसको भी मैंने ऐड कर दिया। अब इसके बाद चलते हैं पनीर डालते हैं जो डिप करके रखे थे फ्राई। तो पनीर फ्रेंड डिप करने का पानी में ये मतलब है कि हमारा पनीर है जो सॉफ्ट रहता है, बिना फ्राई किए मैं पनीर नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझे टेस्ट ही नहीं आता है उसमें। और फ्राई करके और मैं पानी में डिप कर देती हूँ तो पनीर उससे क्या नरम होता है, खाने में भी अच्छा लगता है। और पानी बॉईल करके मैंने रखा था तो वो पानी मैंने डाल दिया है। अब मेरी सब्जी पक रही है तो चलिए हम चलते हैं, बच्चों की टाइम हो गई है स्कूल के लिए। चावल सब्जी मैंने बनाया क्योंकि रोटी ज़्यादा करके मैं सुबह नहीं बनाती हूँ, बाय चांस ही कभी रोटी बन जाती है। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं बेडरूम में और मैं बच्चों का कपड़ा जो है आयरन कर रही हूँ क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है। और कपड़ा इन लोगों का एक ही यूनिफॉर्म मैंने लिया है क्योंकि अगले साल से बच्चों का मतलब आदित्य का मेरे कॉलेज लग जाएगा, इसके लिए मुझे एक ही यूनिफॉर्म को धो के हर हफ्ते पहनाना पड़ता है। तो यहाँ पे आयन कर लेती हूँ क्योंकि मिस्टर का और अभय का कपड़ा तो आयन में चला जाता है इस्त्री में, लेकिन इन दोनों का छोटों का यूनिफॉर्म जो रहता है वो मुझे घर पे ही आयन करना पड़ता है। कोई आ गया है डोर पे, मैं देखती हूँ, बने रहिएगा वीडियो में। सॉरी फ्रेंड, दरवाजे पे मेरे बाजू वाली आंटी आ गई थी, उनकी चाबी मेरे घर पे रखी हुई थी तो वही देने के लिए मैं गई थी। तो यहाँ पे मैंने बच्चों का कपड़ा वगैरह प्रेस किया, उसके बाद बच्चों को बोल दिया तैयार होने के लिए। और फिलहाल में इस समय मेरी अभी की तबीयत ख़राब चल रही है, उनको उनका बुखार ऐसे ही आ रहा था जा रहा था। तो हमने सोचा, बहुत परेशानी हो रही थी उसको, तो हमने उसका ब्लड चेक कराया तो ब्लड में मालूम है आपको इन्फेक्शन निकला है। तो उसका आज तीन दिन हो गया, 3 दिन से लगातार उनको स्लाइन चढ़ रहा है और इंजेक्शन वगैरह डाल के। तो डेली शाम के टाइम वो जाते हैं, शाम या दोपहर के टाइम जैसे उनको टाइम मिलता है वो जाते हैं डॉक्टर के पास, वहीं पे स्लाइन चढ़ता है उनको डेली, देखते हैं कितना दिन चढ़ता है। कल तो इतना उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, इतना बुखार हो गया था कि मैं खुद डर गई। और कल मैंने उसका बॉडी चेक किया ना तो इतना ज़्यादा बुखार था ना कि उतना ज़्यादा बुखार तो मैंने आज तक किसी को भी नहीं देखा था अपने घर में। उसकी बॉडी एकदम तप रही थी, आग के जैसे तप रही थी। मैंने बीपी वगैरह सब चेक किया तो बीपी तो नॉर्मल था लेकिन सिर्फ बुखार था। डॉक्टर को फिर उस समय मैंने फ़ोन लगाया, फ़ोन नहीं उठाए तो मैंने घर पे जो बुखार की दवा थी वही मैंने दिया उनको। तो जाके 1 घंटे में बुखार उतरा। मेरा बच्चा इस समय बहुत परेशान है, भाग दौड़ में बहुत उसको तकलीफ़ हो रही है। सुबह 6 बजे जाता है कॉलेज, शाम को 4 बजे कॉलेज से आता है और तबीयत ख़राब है लेकिन कॉलेज ना छोड़ना चाहता है ना छुट्टी लेता है।
तो ये सब हो रहा है मेरे घर में फ्रेंड। ऐसे बच्चों की तबीयत बराबर, मतलब अब है कि ठीक अभी हुई नहीं तब तक आयुष की तबीयत ख़राब हो गया। आयुष को भी कल लेकर गए थे, दवा वाली दिला के लेकर आए, और यही सब चल रहा है। और मैंने अभी ये सोफे का कवर था, सोफे के मतलब कुशन का कवर था, ये सब निकाली हूँ धोने वोने के लिए। और आपको बता दूँ कि मेरे घर में जो काम चल रहा है, वो वॉशरूम में जो हमारा टॉयलेट का जो भांडा है वो बिठाया था, उल्टा सीधा हो गया था, तो उसी का काम चल रहा है। और धूप बहुत ज़्यादा है, वेदर बहुत चेंज हो रहा है, कभी हेलो धूप कभी फ्रेंड, गुड गर्मी। आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली मेरा काम फिनिश हो गया है, बज गए हैं 2:15, 2:15 हो गए। अभी मैं वापस जस्ट फिर नहा के आई, और बहुत वैसे तो मेरा काम शुरू हो जाता है सुबह ही नहाने के बाद, नहाने और पूजा होने के बाद, मतलब पूजा करने के बाद ही मेरा काम शुरू हो जाता है। लेकिन आज बहुत सारे कपड़े निकल गए वॉश करने के लिए, कि पूरा गीली पड़ गई थी, वापस मुझे नहाना पड़ा, तो जस्ट मैं अभी नहा के आ रही हूँ। और जैसे मैं नहा के निकली, वैसे मैंने सोचा कि जो प्रेस मैंने किया था बच्चों का कपड़ा आयन किया था, उसको मैं अभी निकाल के रख दूँ। और बाय गॉड, मैं वो प्रेस भूल गई थी फ्रेंड, ऑफ मतलब करना भूल गई थी, ऑन ही था अब तक। और अब भी जस्ट मैं निकाल के मैंने सोची उसको रख दूँ, जैसे मैंने हाथ लगाया ना, मुझे चटका लग गया, कसम से चटका लग गया। मैं कैसे भूल गई यार, मुझे नहीं समझ में आया मैं कैसे भूल गई। और प्रेस अच्छा हुआ कि जला नहीं, ये देखिए अभी तो अभी ठंडा हो गया थोड़ा सा, अभी ठंडा हो गया है। और धूप देखिए, धूप कितनी तेज़ है, धूप बाप रे, ऐसी धूप में कौन बीमार नहीं पड़ेगा, इतनी तेज़ धूप है। कभी बारिश कभी धूप हो जाती, इतनी तेज़ बारिश है फ्रेंड, कहा नहीं जा सकता है। मुझे तो घर में से ही देख के इसे आँच लग रही है, और इतनी धूप अभी जिसको लगेगी वो बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा। और मैं आपको बता दूँ, एक मिनट, बाप रे, हाँ मैं आपको बता दूं कि अभी लिए यार अब वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ी नहीं करूंगी वीडियो को। अब जा रही हूँ, रहा नहीं जा रहा, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया सिर्फ एक कप चाय के अलावा। लेकिन किसी को विश्वास नहीं होगा फ्रेंड कि मैं बिना खाए पिए 2 से 2:30 बजे तक मैं काम करती रहती हूँ, 2 बज गया है, और इतनी मोटी हूँ, इतनी मोटी हूँ, ये बताइए कैसे, क्यों? जब मैं खाना खाती नहीं समय पे, तो मैं इतनी मोटी इतनी हैवी क्यों होती जा रही हूँ यार, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए अब भी लगी है भूख, थोड़ा सा पेट पूजा कर लूँ, क्योंकि अब तक एक कप चाय पे थी सुबह से, और रात को भी मैं बिना खाए सो गई थी, क्योंकि करेले की सब्ज़ी बनी थी, रोटी और करेले की सब्ज़ी, तो मेरा मन नहीं कर रहा था। भूख तो लगी थी लेकिन मन नहीं कर रहा था, दूसरा कोई सब्ज़ी घर में थी नहीं, और फिर मैं ऐसे ही जाके सो गई और खाना वाना नहीं खाई। और सुबह से उठ के एक कप चाय पीऊँ, तो रात को नहीं खाई, सुबह भी नहीं खाई, सिर्फ एक कप चाय पे हूँ, 2 बज गया है। तो वीडियो के यहीं पे एंड कर देते हैं, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाबा टेक केयर।